कुलवंदेश्वर महादेव की जय। तो कल की कथा में हमने आपको भगवती सती देवी के दूसरे जन्म में पार्वती जगदम्बा के रूप में अवतार लेने की कथा कल सुनाई गई। आज कुछ जो शिव महापुराण में युद्ध खंड भी एक खंड है रुद्र संहिता में, उसके विषय में भी थोड़ी सी सामान्य चर्चा ही की जा सकती है। समय बहुत कम मिला है, इसलिए थोड़ा थोड़ा संक्षेप में आपको कुछ सुनाया जा सकता है, लेकिन जितना भी यहाँ पर सुनने सुनाने का समय मिल रहा है उसी में हम अपनी शिव भक्ति का विस्तार कर सकते हैं। शिव भक्ति को सुदृढ़ करने के लिए अपने हृदय में सुदृढ़ रूप से शिव भक्ति को विद्यमान करने के लिए हमने जितना भी समय मिलता है उतना सुनने सुनाने का प्रयास अपनी ओर से करना है। तो इसलिए आज की कथा में पार्वती चरित्र सुनाने का संक्षिप्त प्रयास किया जा रहा है। जैसे कल हमने आपको सुनाया था पार्वती जी की तपस्या, नारद जी ने ऐसा संदेश दिया था कि जो तप करे कुमारी तुम्हारी भावी ही मेट सकें तो बुराई। भगवान शंकर ही भावी को मिटा सकते हैं, इसलिए तुम्हारी कुमारी तुम्हारी बिटिया यदि तप करे तपस्या करे तो इसकी जो भाग्य रेखा जो तुम्हें अच्छी नहीं लग रही है, यद्यपि भगवान शिव ही ऐसे वर हो सकते हैं जो वर नारायण के विषय में हमने आपको बताया। देवर्षि नारद जी ने मैना हिमाचल राजा से कहा कि जो तुम्हारे बिटिया के वर नारायण के जो लक्षण बताए गए वो लक्षण केवल सदाशिव भगवान शिव में ही हो सकते हैं। जोगी जटिल अकाम अति नगन अमंगल वेश अस स्वामी यही कहाँ मिलही परी हस्त असरेख। इस प्रकार जो रामायण में भी दोहा चौपाइयों में संत तुलसी महाराज ने वर्णन किया है, तो ये भगवती पराम्बा जो शिवा माता हैं, जो भगवान शंकर की आद्याशक्ति हैं, उन्होंने ही हिमाचल राजा की बिटिया के रूप में जन्म लेकर हम मनुष्यों को शिक्षा दीक्षा देने के लिए ऐसी लीला की है। बचपन से ही दिव्य संस्कार अपनाए हैं, बचपन से ही शिव सेवा और शिव भक्ति में लग गई। सीता जी राधा रुक्मणी जी सभी ने गौरी शंकर भगवान का पूजन किया। बालक बालिकाओं के लिए आवश्यक है कि वो बचपन से ही माता पिता उनको ऐसे संस्कार दें और वो बचपन से ही जो है गौरी शंकर भगवान की विधि पूर्वक यथाशक्ति विधि से पूजा करें। पर विधि वाली बात जहाँ आती है तो लोग उसको या तो समझते नहीं है या फिर समझना नहीं चाहते हैं। विधि से ही बात बनती है, विधि के बिना जो भी हम पूजा पाठ करेंगे वो तामस पूजन कहा जाता है। अगर विधि को ठुकरा दिया जाए तो वह तामस पूजन हो जाता है। इसलिए छोटे बच्चे जो 10 वर्ष से नीचे के बच्चे हैं या 10 वर्ष जिनको अभी पूरे नहीं हुए उन बच्चों को तो साधारण स्नान करके
भी उनका चल जाता है, साधारण स्नान भी कर लें तो पूजा कर सकते हैं। और जो बड़े बच्चे हैं 15 से 25 तक के, उनको जो है पंचगव्य से स्नान करना चाहिए। मतलब संक्षिप्त विधि हम बता रहे हैं, लंबी चौड़ी विधि तो वैसे भी नहीं बता सकते यहाँ पर। इतना अगर संक्षिप्त विधि भी की जाए, पहले तन की शुद्धि भी करना जरूरी है। मन की शुद्धि के साथ तन की शुद्धि हो, मतलब शरीर को भी शुद्ध किया जाए, और फिर मन शुद्धि का मतलब भाव भी शुद्ध हो जाए, पूरा श्रद्धा विश्वास उत्पन्न हो हृदय में, और समर्पण भाव से पूजा करें तो उसका फल बहुत दिव्य होता है, बहुत सुंदर फल मिलता है, सात्विक फल मिलता है, शांतिदायक सुखदायक आनंददायक फल तभी मिलता है जब पूजा विधि से और पूरी सात्विकता से और श्रद्धा विश्वास से किया जाए। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपेण, भगवान शंकर और जगदम्बा पार्वती जो हैं वह श्रद्धा और विश्वास के ही स्वरूप हैं, श्रद्धा विश्वास के स्वरूप हैं। इसलिए बिना श्रद्धा विश्वास के उनकी पूजा संपन्न नहीं हो सकती। परंतु हम मनुष्य हैं तो हमें बाहरी और आंतरिक शुद्धि रखना भी जरूरी है, और पूरा प्रयास करने के बाद जो अशुद्धि रह गई, जितना हम जानते हैं सुना है हमने सत्संग में तथा भागवतों में और विद्वानों से संतों से जो हमने सुना है पूछा है, उसके बाद भी जो जानकारी रह गई उसके लिए तो क्षमा भी हो जाएगा, लेकिन जानबूझ के अगर हम गलती कर रहे हैं तो उसका बड़ा दोष होता है, उसका फिर दंड भुगतान के बिना शुद्धि भी नहीं होती है। इसलिए बाहरी शुद्धि भीतरी शुद्धि, भीतरी शुद्धि तो बाहरी शुद्धि से भी ज़्यादा जरूरी है। भीतरी शुद्धि में मन ठीक हो, मन में ज्ञान वैराग्य भक्ति भाव हो, पर ज्ञान वैराग्य क्या होता है उसके विषय में भी हमने आपको सुनाया ही है, यहाँ पर तो ज़्यादा विस्तार करने का समय है नहीं। और शिवपुराण के माध्यम से ये भी हमने यहाँ पर चर्चा की है, सुना है, तो और यदि कोई कहे कि ज्ञान किसे कहते हैं, वैराग्य का तो हमने विस्तार से वर्णन यथाशक्ति किया था, लेकिन ज्ञान किसे कहते हैं, ज्ञान की भी थोड़ी बात कहनी पड़ेगी, ज्ञान की भी बात कहनी पड़ेगी कि ज्ञान का मतलब कुछ रट लेना नहीं है, कुछ दोहा चौपाई श्लोक चंद और कुछ कविताएं इनको रट लेना, ये ज्ञान नहीं कहा जाता है। ये रटी हुई शब्दावली कही जाती है, रटा हुआ शब्द जाल, उससे बचना, शब्द जाल से फिर उलझ जाता है व्यक्ति शब्द जाल में, उससे बचना उसका फिर मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो शब्द जाल के अहंकार में आकर और काल ग्रास बन जाता है और उसका वह शब्द जाल धरा का धरा रह जाता है, फिर उससे कुछ काम नहीं बनता। इसलिए ज्ञान का मतलब ये है, साधारण अर्थ है कि जो जानने लायक है उसे जानना है, जो मानने लायक है जिसको मानने से जानने से परम कल्याण हो जाए, परम शांति प्राप्त हो, शाश्वत शांति सदा रहने वाली शांति सुख ऐसा आनंद जिसको जानने मानने पालने से प्राप्त होता है उसी को ज्ञान कहा जाता है। ज्ञातम योग्यम ज्ञानम कहा हमारे विद्वानों ने, कहा जो जानने लायक है। अब जानने लायक कौन है, जिसको जानने से
फिर और कुछ जानने की जरूरत नहीं रहती है। यस्मिन् ज्ञाते सर्वं ज्ञातं भवति तद् ज्ञानम्, जिसको जान लेने से सब कुछ जाना जाता है, फिर कुछ जानना बाकी नहीं रह जाता, उसे ज्ञान कहते हैं। तो ज्ञान कौन है, ज्ञान क्या है? हमारा धर्म मार्ग जो सत्य सनातन धर्म हमारे लिए बताया गया, सबका अपना अपना एक धर्म मार्ग बना हुआ है। जैसे एक गुरुदेव का अपना मार्ग है और शिष्य का अपना एक मार्ग है, कर्तव्य है, और गुरु का भी अपना धर्म कर्तव्य है और गुरुदेव का अलग है, तो एक धर्म पतिव्रता नारी का अपना धर्म है और एक पतिदेव का अपना धर्म है। वो अपने अपने धर्म को पूरी निष्ठा से, पूरी भगवत भावना से कि भगवान ने हमको ये सौभाग्य दिया है और हम इस धर्म को विधि पूर्वक ठीक से निभाएं, संपन्न करें। अपने धर्म को निभाने में तो दूसरे की परवाह नहीं करनी है कि ये हमारे लिए भला नहीं करता है तो हम इसके लिए क्यों भला करें, ऐसा भी नहीं करना। हमारा जो अपना कर्तव्य है वो तो करना ही है। जैसे एक पिता पुत्र को पढ़ा लिखा कर शिक्षा दीक्षा उसको अच्छे मार्ग में लगा देते, अगर पुत्र कहना नहीं भी मानता है, वह पिताजी की तरह उनका सम्मान नहीं भी करता है, तो पिता फिर भी उसको अच्छे मार्ग पर लगाना ही चाहते हैं, उसको अच्छी शिक्षा दीक्षा दिलाना ही चाहते हैं, उसका मतलब भविष्य उज्जवल बनाना चाहते हैं, उसके भविष्य को सुधारना ही चाहते हैं। अगर उसकी बहुत गलत आदत हो जाए तो पिताजी, आदर्श पिताजी को तो चिंता हो जाती है कि आदत बहुत खराब हो गई और बड़ों का कहना नहीं मानता और धर्म मार्ग पर नहीं चल रहा है, तो इसका इसका भला कैसे होगा। इस चिंता में पिताजी जो हैं उपाय करते हैं उसके लिए अपनी तरफ से, क्योंकि उनका अपना धर्म है, उन्होंने अपना पिता धर्म को नहीं त्यागना है। ऐसे ही गुरुदेव हैं, अगर क्योंकि गुरु लोगों की भी बड़ी विचित्र लीला होती है, वो शिष्यों की परीक्षा भी लेते ही हैं, अगर शिष्य उसमें फेल हो गया, यूँ कहने लगा कि ये गुरुजी ठीक नहीं हैं, मुझे परेशान करते हैं, मैं इनका कहना क्यों मानूं, कहीं इधर उधर जो है अपना घूमते फिरते रहूं, जो है इनके पास रहना ही नहीं, इनकी सेवा करनी ही नहीं है, ऐसा सोच लेगा तो वो अपने कर्तव्य से गिर जाएगा, मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा, फिर वो मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। जिन्होंने कष्ट सहा, तपस्या की, अपना कर्तव्य पालन किया, उनको अंततः सुख मिला, आनंद मिला और पुण्य प्राप्त हुआ, जिससे कि लोक परलोक में उनकी उन्नति हो गई और आनंद प्राप्त हो गया। तो ये तो कई उदाहरण हम आज भी देख ही रहे हैं, आगे भी लोग देखते ही रहेंगे, ये सब प्रत्यक्ष उदाहरण है। तो यहाँ पर अधिक कहने की बात नहीं है, थोड़ा कहना, अधिक विचार करना, अधिक समझना, ये हमारे लिए जरूरी है। तो आगे की कई कथाओं का हम वर्णन विस्तार से नहीं करेंगे, बल्कि केवल अध्याय का नामोच्चारण करते हुए उसका संक्षेप में ही और चर्चा मात्र ही कर पाएंगे, समय का ज़्यादा अभाव है। आज ज्योतिर्लिंगों की भी कुछ कथा करनी है, दो चार ज्योतिर्लिंग, फिर कल भी कथा होगी एक दो घंटा, तो फिर कल को भी बाकी पूरा किया जाएगा, क्योंकि 11 दिन की कथा है तो पहले दिन भी होनी चाहिए और 11वें दिन भी कथा होनी चाहिए, नियम तो यथाशक्ति मानना ही चाहिए। तो इसलिए हम कल भी बबाल्ट लाई नहीं, बल्कि जितना समय मिल जाएगा उतनी कथा आपको अवश्य सुनाएंगे। आज जो आगे का वर्णन है
नारद जी जब चले गए हैं हिमाचल राजा के यहाँ पार्वती जी को तप करने का संदेश देकर गए हैं, उपदेश देकर गए हैं। भगवती पार्वती ने बचपन में ही भगवान शिव का स्वप्न में भी दर्शन किया था और उस स्वप्न को अपनी माता को सुनाया था, मैना माता को। तो फिर बाद में नारद जी ने समझाई रखा था मैना और हिमाचल को, पार्वती जी के जो माता पिता मैना हिमाचल राजा हैं उनको समझाया था कि एक पुत्री तुम्हारी देवी है, ये इसके लिए तुम कोई चिंता मत करो, इसको तपस्या करने का आदेश दे दो, इसको तप करने की आज्ञा दे देना, इसको रोकना नहीं, क्योंकि जो इसने बर की प्राप्ति करनी है, इसके बर का जो गुण लक्षण मैंने बताया हस्त रेखा के आधार पर, वह लक्षण केवल भगवान सदाशिव में है, क्योंकि भगवान सदाशिव ही एक ऐसे वर नारायण हैं जिनको कोई किसी प्रकार की कोई शान शौकत नहीं है। नहीं तो जो वर बनता है, शादी में जाता है, उसके पास पैसे की कमी हो या कंजूसी हो, उसके पास सूट न भी हो, तो वो इधर उधर से अपने दोस्तों से भी बढ़िया बढ़िया सूट ले करके, मतलब बढ़िया कपड़े ले करके ससुराल जाएगा, वो ऐसे वैसे नहीं जाएगा। इसलिए और भगवान शिव ही एक ऐसे हैं जो बाहरी श्रृंगार भी उनका अति विलक्षण है और प्रेरणादायक है। भगवान भस्मी से श्रृंगार करते हैं, भस्मी भस्मांग भूषण कहे जाते हैं, भस्मी से अपने सारे श्रीअंग का श्रृंगार करते, लेपन करते हैं। और भस्मी में सार है, भस्मी को संस्कृत में सार भी कहा जाता है। सार का अर्थ है निचोड़, निष्कर्ष। तो वही भगवान शिव निचोड़ निष्कर्ष को ग्रहण करते हैं, मतलब हमारे जीवन का जो निष्कर्ष है क्या है, सदाचार है, धर्म है। तो धर्मात्मा को ही भगवान ग्रहण करते हैं, कोई धर्मात्मा ही भगवान का कृपा प्रसाद प्राप्त करता है। हम जो मंदिरों में आकर के चरणामृत या बतासा पजरी आदि प्रसाद लेते हैं, इस प्रसाद का भी यही अर्थ है कि अपने धर्माचरण के माध्यम से, अपने महान कर्तव्य का पालन करते हुए, धर्म का पालन करते हुए भगवान को प्रसन्न करो। भगवान तुमसे, तुम्हारे सुंदर आचरण से, तुम्हारी सुंदर प्रवृत्ति, तुम्हारी सुंदर स्वभाव से, ज्ञान वैराग्य भक्तिमय स्वभाव से भगवान प्रसन्न हैं। इसलिए उनके उनका प्रतीक चिन्ह तुमको ये दिया जा रहा है। जैसे कोई खुश हो जाता है तो प्रतीक के रूप में कुछ इनाम देता है, वो शॉल देता है, कोई दूसरा जिसको कहते हैं गिफ्ट देना, तो प्रसन्न जब होता है तभी देता है वो पुरस्कार गिफ्ट। तो प्रसन्नता का, अब ये जो हम भगवान का प्रसाद या व्यास गद्दी का प्रसाद लेते हैं, इसका मतलब है कि भगवान व्यास गद्दी से भी प्रसाद लेने का मतलब है कि भगवान वेद व्यास जी से हमने निवेदन किया कि हे भगवान, आपने जो पुराणों के माध्यम से हमको उपदेश किया है सदाचार का, धर्म पालन का, उसका हम पूर्णतः पालन कर रहे हैं, ठीक से विधि से पालन कर रहे हैं, इसलिए हम आपकी गद्दी पर आकर, आपके श्री चरणों पर आकर प्रसाद का, आपकी प्रसन्नता का प्रतीक चिन्ह पजरी बतासा फल आदि लेने के अधिकारी बन गए हैं, इसीलिए हम इसको शिरोधार्य करते हैं, मतलब सिर में धारण करते हैं,
सिर में धारण करने का भी मतलब हुआ कि आगे भी हम भविष्य में करते रहेंगे और अपनी बुद्धि में इस भाव भक्ति को बनाए रखेंगे, सदाचार की भावना को भी बनाए रखेंगे और अपनी पीढ़ी को भी बताएंगे, आने वाले जो हमारी अगली पीढ़ी है और जो हमारे इष्ट मित्र बंधु बांधव हैं, जो हमारे दोस्त लोग हैं, सखी सहेली हैं, उनको भी हम बताएंगे। ये प्रसाद लेने का अर्थ समझना चाहिए, नहीं तो खाली पजरी बताशा ही है। वो प्रसाद तभी कहा जाएगा जब उसमें ऐसी भावना हो। इसलिए यहाँ पर बताशे जैसी चीजें भी जो भी आजकल के जमाने में मिल रही हैं, वो भी यहाँ पर आकर शुद्ध हो जाती है, भावना के बल पर शुद्ध हो जाती है। अन्यथा ये जो बाजारों चीजें हैं, इनमें अशुद्धि तो होती है। बताशे भी कोई शुद्ध नहीं, अगरबत्ती भी कोई शुद्ध नहीं, लेकिन यहाँ पर उनको भी शुद्ध बना दिया जाता है भावना के बल पर। ऐसी धर्म की भावना हो, वेदव्यास भगवान के श्री चरणों में हमारी ऐसी भाव भक्ति हो, हम भी और आप भी ये विचार ये भाव बनाकर यहाँ बैठे हैं कि हम भगवान वेदव्यास जी के श्री चरणों पर बैठे हैं, उनके चरणों पर बैठ करके हम कथा सुनने सुनाने का यह सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं और ये केवल भगवत कृपा से और भगवान वेदव्यास जी की कृपा से ही और गुरु महाराज की कृपा से ही प्राप्त हो रहा है। तो हम इसको पूरा पूरा इसका लाभ क्यों ना उठाएं? हमको मनुष्य देह मिली है, मानव बुद्धि भगवान ने दी है, तो उसका हम पूरा पूरा लाभ उठाएं। ये हमारी यहाँ पर अगर प्रबल भावना बनी हुई है तो जो लोग कहते, एक व्यक्ति ने पूछा, इसलिए हम कह रहे हैं, उदाहरण की बात हो गई कि जो है उन्हें पूछा, देखो ये बताशे ताशे तुम शुद्ध अशुद्ध की बात करते हो, फिर ये बताशे प्रसाद क्यों बांटते हो? ये बताशे तो ऐसे वैसे लोग बनाते हैं और वो कभी नहाते भी नहीं है, वो बताशे बनाते हैं और प्लेन्सों में मैदानी क्षेत्रों में ये बताशे बनते हैं और ज़्यादातर गर्मी के दिनों में बताशों को बनाते हैं और तो ये उस समय तो पसीना भी निकलता है, वो हलवाइयों का वो पसीना भी उसी में डाल देते होंगे, तो फिर तुम क्यों इनको बांटते हो, ये अशुद्ध है ये, तो ऐसा कुतर्क कर रहा था। हमने कहा जहाँ पर ऐसी भावना वाले भक्त इकट्ठे हो जाते हैं, श्रोता वक्ता लोग, वहाँ पर तो अशुद्ध भी शुद्ध हो जाता है, वहाँ तो जहर भी अमृत बन जाता है। मीरा जी की भावना से ही तो जहर अमृत बन गया था, विष का प्याला राणा जी ने भेजा और भगवती जो मीरा जी थी, उन्होंने भावना बना ली कि भगवान के पार्षद मेरे लिए चरणामृत ला रहे हैं, भगवान के श्री चरणों का अमृत ला रहे हैं। तो इतना प्रबल भाव था कि वो विष का प्रभाव समाप्त हो गया, विष की जो अशुद्धि थी, गंदगी थी, वो समाप्त हो गई और उसमें दिव्यता आ गई। आप जैसे धर्मात्माओं का, सज्जनों का और माताओं बहनों का ये भाव है कि ये तो भगवान का दरबार है, भगवान वेदव्यास जी यहाँ विराजमान हैं और सारे ऋषि मुनि यहाँ विराजमान हैं और गुरु महाराज विराजमान हैं, तो इसलिए यहाँ पर तो हम अपनी तरफ से तो पूरी अंदर बाहर की शुद्धि का प्रयास कर ही रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो हमारे वश का नहीं है उसको तो भगवान शुद्ध कर ही देंगे, अपनी कृपा दृष्टि से उसको शुद्ध कर देंगे। तो इसलिए यहाँ पर जो भी बताशा मिठाई जो भी आता है वो शुद्ध ही हो जाता है, उसकी अशुद्धि दूर हो जाती है, ये भाव यहाँ पर बन जाता है, तो सबके लिए वो प्रसाद बन जाता है, मतलब भगवान की प्रसन्नता का प्रतीक चिन्ह बन जाता है, भगवान की प्रसन्नता का प्रतीक चिन्ह। जब कोई सरकारें किसी नेता से प्रसन्न हो जाती है तो उस नेता को इनाम देती है या उस अधिकारी को इनाम देती है, तो वास्तव में सबकी जो असली सरकार है वो तो भगवान गौरी शंकर ही सबके वास्तविक सरकार हैं, असली सरकार हैं, और बाकी दुनिया की सरकारें सब नकली सरकारें हैं और सब मिटने वाली समाप्त होने वाली सरकारें हैं, इनका कोई अस्तित्व तो नहीं है, परंतु जब तक है तो वो भी ऐसा कुछ करते हैं, जो उन्हें पसंद आ जाए उसे नाम देते हैं, ये सही आकलन नहीं कर सकती हैं।
लेकिन भगवान सही आकलन करते हैं, वो तो 100% से भी बढ़कर पूर्ण आकलन कर लेते हैं। इसलिए उनका दिया हुआ जो प्रसाद है वह हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक है।